हेलो मेरे प्यारे भूतों, क्या हाल है तुम्हारा। लॉकडाउन की वजह से सभी भूत कैद हैं अपने अपने घरों में, बट सबका अपना अपना तरीका है लॉकडाउन में टाइम पास करने का। कुछ लोग बिंज वॉच कर रहे हैं टीवी शोज को, और कुछ भूत अपनी भूतनियों को मिस कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो पुलिस से पिट रहे हैं। पूरी दुनिया में क्वारंटीन चल रहा है, बट हम इंडियंस का अपना अलग ही अंदाज है कोरोना के साथ टक्कर लेने का। मेरी फेसबुक फीड भरी पड़ी थी इन समझदार लोगों की वीडियोस से। चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ हमारे देश के जांबाज योद्धा जो कोरोना से अपने ही तरीके से लड़ रहे हैं। भाई साहब, ये हुई ना बात। साइंटिस्ट उधर कोरोना के इलाज ढूंढने के लिए अपनी दिन रात घिसा रहे हैं, और ये 2500 IQ वाले इंसान ने कोरोना को दूर करने का तरीका ढूंढ लिया है। कुछ लोग इसे बेवकूफ कह रहे हैं, बट वो इस जीनियस बंदे का लेवल नहीं समझ पाए। तुम लोग फालतू में दवाइयां खरीदते हो बीमारी के लिए। कभी तुमने ट्राई किया है ये बोलने का? नेक्स्ट टाइम जब बीमार होगे तो बोलना गो बवासीर गो, गो नियोन मैन गो। देखना एक मिनट में तुम ठीक हो जाओगे, नहीं हुए तो वीडियो का व्यू वापस दे दूंगा। बट अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो इस तरीके से, तो एक और तरीका बताता हूँ कोरोना से बचने का, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। एक रोग के बैक्टीरिया ही तो होते हैं, तो इससे गौमूत्र से तो अनेक प्रकार के जो दुष्प्रभाव करते हैं ऐसे सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं इससे। भाई जैसा कि इस गौमूत्र पे PhD वाले भाई साहब ने बताया कि कोरोना वायरस बैक्टीरिया होता है। अगर समझे नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोरोना वायरस बैक्टीरिया ही तो होता है। भैंचो नाम में ही वायरस है, और ये इंसान के नाम पे कलंक उसको भी बैक्टीरिया बोल रहा है। कहाँ से उठ के आ जाते हैं ये लोग, गौमूत्र पी के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। देखो मजाक अपनी जगह है, कोरोना से बचने के लिए साइंटिफिक तरीके अपनाओ और इन जैसे लोगों की मत सुनो। इन जैसे क्यूतियों का सबसे बड़ा हाथ है कोरोना को फैलाने में। और ये पोस्टर देखना जरा, सेव अस कोरोना, कोरोना को बोल रहे हैं हमें बचाने के लिए। शाबाश क्यूतियों, शाबाश। ये यहीं खत्म नहीं होता, ये पोस्टर को गौमूत्र पिला रहे हैं कोरोना को शांत करने के लिए। भैंचोद, अगर कोरोना इंसान होता ना, तो ये चुतियापा देख के खुद के मुंह में ही ना वो S12 वाली शॉटगन डाल के ना मुंह में अपना भेजा उड़ा देता। और वो छोड़ो, इन लोगों ने कोरोना की फैन आर्ट भी बना दी है। वाह जी वाह। चलो ये आइडिया तो फ्लॉप निकला, छोड़ो कोरोना भगाने के तरीके। देखते हैं हमारे इंडियन भाई बंधु कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। अगर तुम कोरोना से बचे तो इस आंटी को जरूर थैंक्स बोल देना, इतना एंथुसियाज्म मैंने तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी नहीं देखा। क्या पता ये सोच रही हो कि भगवान की नींद ही खोल दूं शोर मचा के, तो शायद कोरोना से बचा लें हमें। शोर से याद आया, इन नमूनों को भी देख लो। चाहे फिर त्योहार की तैयारी हो या कोरोना जैसी डेडली बीमारी हो, हम लोगों को तो बहाना चाहिए मजे करने का। फ्लाइट्स क्या बंद हुई, ये आंटी तो खुद ही टेक ऑफ करने लगी है। कुछ लोगों ने थाली पीटने को एक और ही लेवल पे ले गए हैं।
और कुछ बेवकूफों ने इसको लिटरली सेलिब्रेशन समझ लिया है। इनकी तरह बेवकूफ़ी मत करना तुम लोग। अगर तुम लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, वो भी तुम्हारी तरह बोर हो रखे होंगे लॉकडाउन में, उनको भी ये वीडियो भेजो, उनका टाइम पास करने के लिए कंटेंट भेजो भाई उनको भी। और जाने से पहले यही सलाह दूंगा कि इसको लाइटली मत लो, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। स्टे होम, बी सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अडियोस भूतों। La la la.